没钱，走。परमन इमा कैथेल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर पीस का वो कन्वेनर हूँ। आज हम ऐसे प्रोटेस्ट करती हूँ क्योंकि आज पार्लियामेंट का वोचिक चल रहा है। इसी वक्त ये हमारा मणिपुर का समस्या मतलब अभी अभी हो रहा है, ये वार की तरह चल रही है। ये सबको प्रॉब्लम को डिस्कशन करके सोल्यूशन करना चाहिए। ये सोल्यूशन ला के जल्द ही जल्द ये वार खत्म करने को हम दरखास्त करती हूँ। हम भी भारत का नागरिक हूँ, हम डेमोक्रेसी की वो अंदर में है, इसलिए डेमोक्रेसी की रूल की तरह आप सोच समझकर मणिपुर की प्रॉब्लम जो है अभी अभी आज पार्लियामेंट की अंदर में निकाल कर सोल्यूशन लाकर जल्द जल्द खत्म करना चाहिए। हमें मणिपुर का प्रजा माँ लोग माता लोग पिता लोग भाई बहन बच्चा लोग सब जानते हैं। ये सेंटर वो मैंने कुकी का सपोर्ट किया है अभी तक, ये क्यों सपोर्ट किया है, ये सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर सपोर्ट करते रहो तो ये वार ये लड़ाई खत्म नहीं होगा, इसीलिए सपोर्ट छोड़ दीजिए। आप लोग सोच समझ के डेमोक्रेसी के रूल चला के ये वार खत्म करने को हमें दरखास्त करती हूँ, नहीं तो क्या हम इंडिया छोड़ के हम अकेले रहने को चाहती हूँ। हम इंडिया से सेपरेट करेंगे अगर सोल्यूशन नहीं करना हो तो। ये हमें माता लोग ये मणिपुर का माता पिता और सब लोग हमें सोचती हूँ, इसीलिए आज पार्लियामेंट में वो चल रहा है ना सिटिंग, इसमें हमारा एमपी लोग और हमारा मंत्री लोग क्यों चुपचाप खड़े हो, क्यों चुपचाप बैठे हो, यस 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 करके क्यों बैठे हो तुम लोग, ऐसे क्यों करते हो तुम लोग, डिस्कशन में ऐसे पॉइंट बताओ। मणिपुर क्या है, मणिपुर भारत वर्ष का अंदर है, इसीलिए असेंबली में मणिपुर है, इसलिए आप लोग डिस्कशन अच्छी तरह करके सोल्यूशन करना चाहिए। अगर सोल्यूशन नहीं करना है तो लड़ाई खत्म नहीं होगा।